तो एग्जाम में आपको डीएम प्लान की ड्राइंग ड्रा करने के लिए बोलते हैं, यानी कि निकालने के लिए बोलते हैं। तो आपको इस प्रकार ड्राइंग निकालना होता है। यहाँ से देखिए, रॉटर इन होता है डीएम प्लांट के अंदर और यहाँ से रॉटर आउट होता है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो डीएम प्लांट के अंदर कितने बेड होते हैं? तो सबसे पहला बेड है सैंड फिल्टर, सेकंड है कार्बन फिल्टर, दूसरा जो होता है कैटायन, तीसरा जो होता है डिगेसर टैंक होता है ये, और चौथा जो होता है एनायन बेड, और उसके बाद फाइनली मिक्स बेड। और आपको उसका फ्लो भी बताना होता है, इसको हम सर्विस फ्लो बोलते हैं। यानी कि डीएम प्लांट के अंदर हम वाटर जो फीड करते हैं तो उसका फ्लो कैसा होता है, तो आप वहाँ पे बता सकते हो टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे यहाँ पे उसका सर्कुलेशन होता है हर एक बेड में, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है। अगर आपका डीएम प्लांट का जो सर्कुलेशन है वो उल्टा भी हो सकता है, यानी कि बॉटम टू टॉप साइड में, तो आपको वहाँ पे कोई घबराना नहीं है, वहाँ पे आपको बता देना है जैसा आपका सर्विस फ्लो है, यानी कि टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप। तो इस प्रकार आपको वहाँ पे डीएम का ड्राइंग निकालना होता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, डिगेसर टैंक जो होता है, डिगेसर टैंक के ऊपर यहाँ पे आपको इस प्रकार आपको ये फनेल बताना होता है, क्योंकि यहाँ से हम CO2 रिमूव करते हैं। तो वहाँ पे आपको लिखना भी है कि डिगेसर टैंक के अंदर का जो फंक्शन होता है, जो कुछ भी वो निकालता है वाटर से अलग करता है, तो वो CO2 निकालता है, और वहाँ पे आपको निकालना होता है, बताना होता है कि CO2 रिमूव करता है। उसके बाद हर एक फिल्टर या बेड का आपको नाम देना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर, कैटायन बेड, डिगेसर, एनायन बेड और मिक्स बेड। तो यहाँ पे इस प्रकार आपको डीएम प्लांट का ड्राइंग निकालना होता है। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक बने रहे और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पावर प्लांट टेक्नोलॉजी की जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड, आज हम लेकर के आए वीडियो बॉयलर प्रश्न उत्तर वाटर एनालिसिस पार्ट 14। तो ऑलरेडी हम वाटर एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो फ्रेंड चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बंदे ने सही आंसर दिया है। होप आपका स्टडी अच्छा हुआ है, आपका जो रिप्लाई मुझे आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप सही आंसर देते हो। क्योंकि फ्रेंड, आप जो एग्जाम आने वाली है उसमें लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका जो एक एक क्वेश्चन है मैं आपको कमेंट में आंसर देने के लिए बोलता हूं, तो उसका जो आंसर होता है बहुत ही राइट आता है, 110% आप राइट आंसर देते हो। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। बॉयलर का वाटर एनालिसिस करने के लिए सैंपल कहां से निकालना जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर है यहाँ पे, स्टीम ड्रम वाटर लेवल गेज ग्लास से निकालना चाहिए। तो अभी मैं आपको बता दूं, वाटर सैंपल जो है हम बहुत सारे जगह से निकाल सकते हैं, जैसे कि IBD जब हम देते हैं, यानी कि ब्लोडाउन देते हैं, उस समय डायरेक्टली ब्लोडाउन से हम वाटर ले सकते हैं सैंपल के लिए, एनालिसिस के लिए। उसके बाद हम स्टीम ड्रम के मोबरी हो गया, जब मोबरी हम ड्रेन करते हैं, मोबरी का जब ट्रायल लेते हैं लो प्रेशर बॉयलर को, तो वहां से भी हम ले सकते हैं। दूसरी बात यह है फ्रेंड, मैं स्टीम ड्रम का वाटर लेवल गेज ग्लास ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड हम 8 घंटे में या फिर 12 घंटे में एक बार जो सैंपल है वो लैब में भेजते हैं एनालिसिस के लिए वाटर को। तो उस समय क्या होता है फ्रेंड, हम अगर गेज ग्लास से निकालते हैं तो यहाँ पे दो बेनिफिट होता है। क्या होता है, हमारा जो वाटर लेवल गेज ग्लास है उसका भी टेस्ट हो जाता है, वो ड्रेन करने के बाद उसका भी रिफ्रेश हो जाता है, वॉश हो जाता है गेज ग्लास, उसके बाद हमारा सैंपल भी वहां से अच्छा निकलता है। अभी सैंपल अच्छा क्यों निकलता है स्टीम ड्रम से, क्योंकि फ्रेंड जो भी हमारा स्टीम बनता है वो स्टीम ड्रम में बनता है, और जो भी बॉयलर को वाटर हम फीड करते हैं वो स्टीम ड्रम के अंदर फीड करते हैं, तो दोनों वाटर उसके अंदर होता है, वहां पे नीचे जाके वाटर फिर से ऊपर आता है, तो उसका जो सैंपल है बहुत ही अच्छा होता है स्टीम ड्रम के अंदर का, तो वहां से सैंपल हमें निकालना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएम प्लांट में सैंड फिल्टर का क्या काम होता है? अभी सैंड फिल्टर जो होता है डीएम प्लांट में, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है,
क्या काम करता है, वाटर से क्या निकलता है, तो उसका आंसर यहाँ पे सैंड फिल्टर वाटर में जो कीचड़ पेड़ के पत्ते होते हैं उसे निकालने का काम करता है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमारा जो वाटर जो होता है वो वाटर के अंदर थोड़ा कुछ झाड़ के पेड़ के पत्ते आ जाते हैं, कुछ कीचड़ भी आता है थोड़ा सा, तो उसका जो अंदर कचरा होता है, हम कचरा उसको बोलेंगे, मड़ भी बोलेंगे, तो वो जो कचरा है वो सिर्फ कचरा निकालने का काम करता है सैंड फिल्टर, बाकी उसके अंदर का मिनरल्स नहीं निकालता है। तो आपको ऐसा बोल देना है कि पेड़ के पत्ते पानी के अंदर जो कीचड़ होता है वो कीचड़ निकालने का काम सैंड फिल्टर करता है, यानी कि मड निकालने का काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएम प्लांट में कार्बन फिल्टर का क्या काम होता है? अभी सैंड फिल्टर के बाद जो कार्बन फिल्टर आता है उसका क्या काम होता है, उसका क्या वर्किंग होता है, क्या फंक्शन होता है, तो उसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, कार्बन फिल्टर सस्पेंडेड आयन ऑयल ईटीसी यानी कि इत्यादि निकालने का काम करता है। देखिए कार्बन फिल्टर जो होता है उसका नाम में उसका जो आंसर है वो है कार्बन यानी कि कोयला। कोयला जो होता है आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन फिल्टर बेड के अंदर यानी कि फिल्टर के अंदर क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंथ्रासाइट कोल होता है, सिलिका होता है उसके अंदर, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है और उसके बाद मैग्नेटाइट होता है, तो इस प्रकार वह उसके अंदर मटेरियल होता है। लेकिन इसका जो फंक्शन है ये क्या काम करता है, तो वाटर में जो ऑयली आता है यानी कि वाटर के ऊपर जो तैरने वाला पदार्थ होता है, ऑयल हो गया, सस्पेंडेड आयंस यानी कि चीनी होती है ना अपने, वो चीनी अगर वाटर में घुल जाता है वो अब्सॉर्ब कर लेता है कोयला, उसके बाद जो नमक हो गया अपना, नमक जैसे पदार्थ जो होते हैं वाटर के अंदर घुल जाते हैं तो वो अब्सॉर्ब कर लेता है यानी कि चिपका लेता है और उसको अपने अंदर ले लेता है कोयला, तो ये सब काम करता है कार्बन फिल्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो वाटर का क्लैरिटी है थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। सैंड फिल्टर के अंदर कीचड़ मड निकलता है और इसके अंदर जो भी वाटर के अंदर सस्पेंड हो गया यानी कि घुल गए हैं जो पदार्थ होते हैं ये कार्बन फिल्टर निकालता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएम प्लांट में शैक बेड क्या काम करता है? अभी शैक यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन, तो ये जो शैक बेड है डीएम प्लांट के अंदर इसका क्या काम होता है? तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं यहाँ पे आंसर, सैग बेड आयन एक्सचेंज करने का काम करता है। ये जो बेड होता है फ्रेंड, हम इस बेड को पॉजिटिव बेड बोलते हैं। अभी ये बेड जो है पॉजिटिव नहीं होता है, ये बेड होता है निगेटिव, यानी कि इसके अंदर जो रेजिन होती है ये निगेटिव रेजिन होती है। लेकिन हम इसको पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड वाटर में जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम कैल्शियम, वो आयन्स क्या करता है रिमूव कर देता है, इसलिए हमारा जो मेन काम हो रहा है वो पॉजिटिव आयन्स रिमूव करने का काम हो रहा है, इसलिए हम इस बेड को पॉजिटिव बेड बोलते हैं। तो सैक का मतलब हो गया स्ट्रांग एसिड कैटायन, तो ये बेड क्या काम करता है, आयन एक्सचेंज करता है यानी कि वो वाटर का जो आयन होता है पॉजिटिव वाटर के अंदर मैग्नीशियम कैल्शियम वो अपने पास रख लेता है। तो ये बेड क्या काम करता है आपको बोल देना है एग्जामिनर को कि आयन एक्सचेंज करता है और ये बेड पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि वाटर का अंदर का जो पॉजिटिव आयन्स है वो अपने पास रख लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएम प्लांट में सैक बेड का पीएच कितना होता है? ये फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है मुझे पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि इसका पीएच कितना होता है, हम इसका पीएच चेक नहीं करते हैं, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका पीएच कितना होता है देखते हैं। तो सैक बेड का पीएच 2.5 टू 4.5 तक होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एसिडिक बेड होता है यानी कि हम इसको एसिड से रिजनरेशन करते हैं तो ये एसिडिक फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हम इसको लाइन पे कब लेते हैं और ये बेड एग्जॉस्ट होता है यानी कि इसका जो काम करने का कैपेसिटी है खत्म हो जाता है, तो हम बोलते हैं ये बेड एग्जॉस्ट हो गया। उसके बाद हम इस बेड को रिजनरेट करते हैं केमिकल वॉश करके, तो यहाँ पे जब हम लाइन पे लेते हैं बेड रिजनरेशन हो जाने के बाद जब लाइन पे लेते हैं तो उस समय 2.5 इसका पीएच आना चाहिए। इसके पहले अगर ये बेड का पीएच चेक करते हो तो आपको एक मिलेगा, एक पीएच मिलेगा, तो उसको हम वॉश करते हैं करते जब 2.5 तक इसका पीएच आ जाता है मिनिमम, तो वहां पे हम इसको लाइन पे ले लेते हैं। ये जो बेड है एग्जॉस्ट हो गया ये कब समझ में आता है, जब इसका 4.5 से ऊपर पीएच जाने लगता है यानी कि एग्जॉस्ट हो जाता है बेड, उस समय हम क्या करते हैं इसको रिजनरेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएम प्लांट में शैक बेड को रिजनरेशन करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं?
अभी अभी मैंने आपको बताया है सैक यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन, तो हम इसको एसिड यूज करते हैं। तो एसिड में कौन कौन से प्रकार है, एसिड का भी प्रकार है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, डीएम प्लांट में सैक बेड को रिजनरेशन करने के लिए HCl या फिर H2SO4 ये एसिड केमिकल यूज करते हैं। तो दो टाइप के केमिकल होते हैं, HCl भी एसिड है और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक भी एसिड है। तो ये दो टाइप के ऐसे यानी कि दोनों में से एक कौन सा भी हम यूज करते हैं, तो इसमें से हम दोनों में से एक कौन सा भी केमिकल यूज करते हैं, HCl या तो फिर H2SO4। तो एसिडिक केमिकल इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि फ्रेंड हमारा जो पॉजिटिव आयंस है उस बेड के अंदर चिपक जाते हैं और ये एसिडिक ये जो होता है ये निगेटिव होता है, तो वो पॉजिटिव आयंस को खींच करके बाहर निकाल देता है, एग्जॉस्ट कर देता है और जो हमारा बेड का रिजिन हो जाता है वो हो जाता है फ्रेश। तो वहाँ पे हम आयंस को रिमूव करने के लिए ये केमिकल यूज करते हैं। बेड ने जो भी पकड़ के रखा है रेजिन के ऊपर चिपक के है हमारे जो आयंस, वो आयंस हम बाहर निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएम प्लांट में डिगासर का क्या काम होता है। डिगासर होता है आपको पता है, तो उसका काम क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिगासर CO2 निकालने का काम करता है। वाटर में जो गैस होती है CO2 गैस, वो गैस हम डिगासर से निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, डिगासर के अंदर वाटर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी कि ऊपर से ऐसा स्प्रे कर देते हैं, उसको डोम होता है, टीरेशन टैंक होता है, तो नीचे से हम क्या करते हैं ब्लोअर की मदद से एयर अंदर छोड़ते हैं डिगेसर के अंदर। एयर छोड़ने की वजह से क्या हो जाता है, वो वाटर के अंदर जो भी CO2 है उसका बबल्स बन जाता है और बबल्स एयर के फोर्स से वो बाहर निकल जाता है यानी कि एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मोस्टली हम डिगेसर के अंदर CO2 रिमूव करने का काम करते हैं, वो भी एयर के मदद से। एयर को कौन लाता है अंदर, ब्लोअर। तो यहाँ पे आपको बता देना है कि डिगेसर का काम CO2 रिमूव करने के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएम प्लांट में SBA बेड का क्या काम होता है। अभी SBA बेड यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस एनायन, इसका नाम है स्ट्रॉन्ग बेस एनायन। तो ये एनायन क्या काम करता है, तो फ्रेंड डीएम प्लांट में SBA बेड का काम आयन एक्सचेंज करने का काम होता है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सैक बेड तो आयन एक्सचेंज करने का काम किया था, अभी इसका डबल कैसा। तो सैक बेड क्या करता है फ्रेंड, मैं आपको बताया, वाटर में जो भी पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो सैक बेड निकालता है और जो भी निगेटिव आयन्स होते हैं ये SBA निकालता है यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस एनायन। तो ये जो बेड होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, दो बेड होते हैं डीएम के अंदर। सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन्स निकाल लेते हैं वाटर का, उसके बाद हम निगेटिव आयन निकाल करके वाटर को न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये अल्कलाइन बेड होता है यानी कि ये जो है इसको हम केमिकल अल्कलाइन वाला यूज करते हैं। कौन कौन सा केमिकल यूज करते हैं आगे हम देखने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएम प्लांट में SBA बेड का pH कितना होता है। ये भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो आंसर है pH जो है डीएम प्लांट में SBA बेड का pH 8.5 टू 9.5 तक होता है। इसका जो रेंज होता है फ्रेंड अल्कलाइन होता है यानी कि हमारा जो पहले का पॉजिटिव जो बेड था वो एसिडिक फॉर्म में था, अभी ये अल्कलाइन फॉर्म में है। तो वहां पे ऑपोजिट ये काम करते हैं बेड, वो पॉजिटिव आयंस निकालता है सैक बेड और ये निगेटिव आयंस निकालता है। वो एसिडिक फॉर्म में होता है और ये अल्कलाइन फॉर्म में होता है। तो आपको वहां पे बता देना है अगर pH पूछते हैं तो 8.5 टू 9.5 तक इसका pH मेंटेन रखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डीएम प्लांट में SBA बेड को रिजनरेशन करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया सैक बेड को हम एसिड यूज करते थे, तो इसको क्या करते हैं हम डीएम प्लांट में SBA बेड को रिजनरेशन करने के लिए कॉस्टिक केमिकल यूज करते हैं। कॉस्टिक सोडा जो होता है, अभी कॉस्टिक लिक्विड में भी मिलता है, पहले सॉलिड फॉर्म में मिलता था यानी कि सोडा 99% रहता था। तो अभी हम उसको क्या करते हैं डाइल्यूट करते हैं, अगर 99% है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो हम कम करके इसको रिजनरेट करते हैं। तो ये एसिडिक और अल्कलाइन ये दोनों जो है ये निगेटिव और पॉजिटिव है। कैटायन निगेटिव बेड है और SBA पॉजिटिव बेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएम प्लांट में SBA बेड का कंडक्टिविटी कितना होता है। तो फ्रेंड ये भी 100% क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ये रेगुलरली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और ये रेगुलरली हम इसका चेक करते हैं। तो इसका आंसर मिलता है आपको, डीएम प्लांट में SBA बेड का कंडक्टिविटी 2 से लेके 20 माइक्रो सीमेंस मीटर होता है।
तो यहाँ पे इस बेड का जो कंडक्टिविटी है मैंने मिनिमम 2 बताया है, इसके नीचे भी होता है। आप अगर अच्छे से रिजेनरेट करते हो बेड को तो इसके नीचे भी इसका कंडक्टिविटी आता है, लेकिन मैंने जो कॉमन जो चलता है पैरामीटर, स्टैंडर्ड पैरामीटर जो है इसका 2 से लेके 20 तक हम इसका कंडक्टिविटी मेंटेन करते हैं। अगर इससे ऊपर जाता है तो इस बेड को हम रिजेनरेट कर देते हैं। तो इस बेड को रिजेनरेट कब करते हैं, ये कंडक्टिविटी भी हम देखते हैं, उसके बाद इसका पीएच भी देखते हैं। अगर इसका पीएच डाउन डाउन होता जाता है, जैसे कि मैंने मैक्सिमम रेट इसका पीएच का रेट 9.5 बताया है, वो कम आता है यानी कि 7-7 तक आ जाता है। पहला वाला जो बेड है वो एसिडिक है, तो इसका मोस्टली अगर ये बेड एग्जॉस्ट हो जाता है तो इसका जो पीएच का रेंज है वो डाउन साइड आ जाता है, उस समय हम इसको रिजेनरेट के लिए ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएम प्लांट में मिक्स बेड का क्या काम होता है। अभी कैटाइन हो गया, एनाइन हो गया, उसके बाद आ गया मिक्स बेड। मिक्स बेड का क्या काम होता है, तो देखिए यहाँ पे डीएम प्लांट में मिक्स बेड एसिडिक एंड अल्कलाइन वाटर को न्यूट्रल बनाने का काम करता है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कैटाइन बेड हमारा एसिडिक था, एसबीए बेड हमारा अल्कलाइन था, तो यहाँ पे मिक्स बेड क्या करता है, उस एसिडिक और अल्कलाइन वाटर को न्यूट्रल बना देता है, यानी कि 7 pH तक यहाँ पे लेके आते हैं। तो मोस्टली मिक्स बेड का काम क्या है, मिक्स बेड के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो मिक्स बेड में दोनों ही रेजिन होती है, कैटाइन भी होती है और एनायन भी होती है। इसको मिक्स बेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों रेजिन होती है और दोनों रेजिन को हम मिक्स करके रखते हैं ताकि हमारा जो अल्कलाइन और एसिडिक वाटर है वो न्यूट्रल हो जाए। तो इसको हम बेस भी बोलते हैं, बेसिक वाटर भी बोलते हैं। डीएम वाटर का जो निकलता है बाहर आउटपुट, उसको हम बेसिक वाटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली मिक्स बेड का काम क्या है, जो भी कैटाइन से आयन जो है हमारा पॉजिटिव वहाँ पे छूट करके आए हैं और जो एनायन बेड है उसके अंदर का जो निगेटिव आयन से वो छूट करके आए हैं, तो ये हम मिक्स बेड के अंदर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों रेजिन मिक्स है, अगर आप एसिडिक और अल्कलिन मिला दो तो वहाँ पे एक न्यूट्रल बन जाता है। तो वहाँ पे आपको यह समझना है कि ये जो एसिडिक बेड है और अल्कलाइन बेड है, ये दोनों बेड का काम, ये मिक्स बेड क्या करता है, दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है, दोनों को बैलेंस कर देता है। हमें बॉयलर के अंदर वाटर कौन सा चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, लेकिन विदाउट मिनरल्स। तो हमने क्या किया, कैटाइन बेड में वाटर को एसिडिक करने के बाद उसके अंदर का जो आयन है वो एक्सचेंज किया, हमने उसका आयन निकाल लिया वहां पे पॉजिटिव, और एनायन बेड में निगेटिव निकाल लिया अल्कलाइन करके, और वहां पे जितना हमने वाटर लिया था पीएच वाला, वही पीएच वाला वाटर हमने बाहर छोड़ दिया। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा एसिडिक और अल्कलाइन क्यों करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको ये बता दूं फ्रेंड, अगर हम एसिडिक वाटर उसको नहीं बनाते हैं तो उसका जो आयन है वो रिएक्शन नहीं होगी, वो आयन एक्सचेंज नहीं होगे, इसलिए हम वाटर को क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज करने के लिए एसिड फॉर्म में लेके जाते हैं और अल्कलाइन फॉर्म में लेके जाते हैं। जब हमारे वाटर में का आयन एक्सचेंज हो जाते हैं यानी कि निकल जाते हैं बाहर, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, वाटर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हमारा जो डीएम का वाटर होता है वो डीमिनरलाइज न्यूट्रलाइज वाटर होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, उसका पीएच मिनिमम 6.5 तक होता है और मैक्सिमम 7.5 तक होता है। तो हमारा जो वाटर होता है वहां पे मोस्टली न्यूट्रल वाटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएम प्लांट का क्या काम होता है। अभी आपको इसका आंसर आता ही होगा, अभी अभी हमने इसके ऊपर ही चर्चा किया है। तो डीएम प्लांट का क्या काम होता है, डीएम प्लांट वाटर में से मिनरल्स को निकालने का काम करता है। सिंपल है फ्रेंड, यहाँ पे डीएम प्लांट का काम होता है वाटर में जो भी मिनरल्स होते हैं वो डीमिनरलाइज कर देता है। तो हम इस वाटर को क्या बोलते हैं, डीमिनरलाइज वाटर बोलते हैं, यानी कि वाटर के अंदर मिनरल्स नहीं है, वो सॉफ्ट वाटर बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएम प्लांट का सर्विस फ्लो कैसा होता है। अभी अभी मैंने बताया है आपको, सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा उसका फ्लो, तो यहाँ पे आप फ्लो बता सकते हो टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप, आपको फ्लो कैसा बताना है, कैसा भी हो सकता है, एज पर डिजाइन है, जैसा डिजाइन करते हैं डीएम प्लांट को वैसा फ्लो होता है सब जगह, ऐसा नहीं कि ऊपर से पानी डालो और नीचे से निकालो, ऐसा नहीं है, हर एक प्लांट में अलग अलग डिजाइन होता है। तो मोस्टली यहाँ पे दोनों फ्लो हो सकते हैं, एक प्लांट में एक ही टाइप का फ्लो होगा टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप,
तो अलग अलग जो डीएम प्लांट होते हैं उसके अंदर अलग अलग फ्लो हो सकते हैं, ये कहने का मतलब है मेरा। तो आपको एग्जामिनर को बता देना है टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप। और दूसरी बात ये आपको मैं बता दूं, आप जिस डीएम प्लांट के ऊपर काम करते हो उसका जो सर्विस फ्लो है वो आप बता दीजिए। मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बताया है कि टॉप टू बॉटम भी होता है और बॉटम टू टॉप भी सर्विस फ्लो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएम प्लांट मिक्स बेड में कौन कौन सी रेजिन होती है? तो इसका आंसर है डीएम प्लांट मिक्स बेड में कैटायन और एनायन रेजिन होती है। तो ये दो ही टाइप की रेजिन होती है, इसके अलावा रेजिन नहीं होती है। अभी ये रेजिन क्या है फ्रेंड, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये रेजिन हम इसको बोलते हैं, तो ये जो है फ्रेंड ये केमिकल है, ये केमिकल होता है, इस केमिकल को हम रेजिन बोलते हैं। और इसका जो पॉजिटिव आयन निकलती है वो कैटायन रेजिन होती है और जो नेगेटिव आयन निकलती है वो एनायन रेजिन होती है। ये केमिकल होता है, रेजिन यानी कि कुछ अलग टाइप का नहीं है, लेकिन हम इसको रेजिन बोलते हैं। तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए क्वेश्चन है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए कौन कौन से प्लांट का यूज किया जाता है? यानी कि हमारे वाटर के अंदर का जो भी आयन होता है, मिनरल्स होते हैं, वो रिमूव करने के लिए कौन कौन से प्लांट का यूज कर सकते हैं? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, हम आपका जो आंसर है उसका इंतज़ार करेंगे। तो होप फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली ऐसी एक इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।